प्रिंटर के 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर का 20 नंबर के प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। तो प्रिंटर से 2 से 3 नंबर यहां से प्रश्न बनेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार आपका शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है आपको 10 जून को है, लेबर इंस्पेक्टर भर्ती का एग्ज़ाम है आपको 24 जून को है, यानी कि मात्र आपके पास 19 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि आपका दोपहर 2 बजे की क्लास है। कितने बजे? दोपहर 2 बजे की क्लास है जो प्रिंटर से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो कल का हमने कौन से क्लासेस देखा था? मल्टीमीडिया से संबंधित, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2 से 3 नंबर मल्टीमीडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्यूटर की क्लास अपलोड कर दिया गया है। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट, जो यानी कि जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लोगे, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर दोगे और वीडियो को लाइक करके चलो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टोटल आज प्रिंटर से 50 MCQ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए सीजी पटवारी एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। तो मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 10 वर्षों में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है जो आपके एक प्रिंटर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पूरा टोटल आज 50 MCQ करने वाले, जैसे कि देख सकते सीजी व्यापम पीएससी जितने भी एग्ज़ाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग सभी कमेंट बॉक्सों में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सभी मैं देखिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूँगा जिसमें पूरा टोटल रहेगा MCQ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, बिल्कुल रिवाइज करने का टाइम है, आप पढ़ने का समय नहीं है ना, पढ़ने का बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, रिवाइज करने का समय है। डेली आपका दोपहर 2 बजे कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है। ठीक है, बिल्कुल रिवाइज क्लास है। तो इनका हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, तो निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं प्रिंटर से संबंधित। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रिंटर आपका दो प्रकार के होता है, कौन कौन सा होता है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, याद रखना। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम में पूछा जाए तो प्रिंटर दो प्रकार का होता है, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो यहाँ पर निम्न कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है पूछा गया है ना, इम्पैक्ट में कौन कौन आ जाएगा? तो देखिए इम्पैक्ट में डॉट, उसके बाद डेजी, लाइन, ड्रम, चैन, लेज। ठीक है, डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम और चैन प्रिंटर, ये जितने भी हैं ये सभी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसी प्रकार आप देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आ जाएगा? थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, इंक, एक मिनट ना फिर से। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसी प्रकार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाए आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर ये जो तीन जो है ये आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, चाहे आप पीएससी की तैयारी करो चाहे व्यापम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है तो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। अब चलिए आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा ना, जो जो क्वेश्चन बताऊँगा बिल्कुल याद रखना। प्रिंटर कितने प्रकार का होते हैं? देखिए व्यापम 2021 में पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा डिटेल आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है पर कमेंट करके बताइएगा, ऐसी और भी वीडियो चाहते हो तो Part 4 या 3 वीडियो है ना, तो Part 3 वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताया ना। ठीक, चलिए इसको इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। इंकलेस का मतलब होते हैं स्याही प्रिंटर, स्याही प्रिंटर। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा है ना, व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा है कि स्याही प्रिंटर को किस रूप में जाना जाता है या फिर इंकलेस को किस रूप में जाना जाता है, तो आपको थर्मल प्रिंटर आएगा। सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न ही है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर? अभी मैं आपको बताया ना इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो इम्पैक्ट डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और एक लेजर प्रिंटर ये क्या है, सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपका 2020 में पूछा गया है। चलिए लेजर प्रिंटर्स क्या होता है, लेजर प्रिंटर एक प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता प्रिंटआउट लेता है, या फिर इंक जेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, या डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है। तो मेरे हिसाब से देखिए ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आंसर लिया गया है। तो इसमें पहला तीसरा चौथा भी लिया गया ना, चौथा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, व्यापम में पूछा गया है। ये देखिए लेजर प्रिंटर किसका प्रकार है या उदाहरण है, तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, बिल्कुल सही सही। जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यह आपका लाइन प्रिंटर आएगा, ठीक है, लाइन प्रिंटर में याद रखना। फिर आपके 2019 में पूछा गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपका व्यापम पीएससी में एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति होती, तो प्रिंटिंग गति कितनी होती, 200 पेज जो गति होती है, 250 से स्टार्ट होती है 200 पेज, सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया। उसी प्रकार निम्नलिखित में किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग पढ़े होंगे, किसको छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस हैं, तो प्रिंटर, तो प्रिंटर को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस है, कैसे, देखिए प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट। माउस इनपुट। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस को ही इनपुट कहा जाता है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, कभी भी लेजर आएगा तो सीधा डायरेक्ट पेज, लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, याद रखना हमेशा एग्जाम। देखिए अब मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो जो लोग व्यापम जैसे हॉस्टल वार्डन लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास है। तो सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था, उसी प्रकार सीजी व्यापम पीडीओ 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो इंक जेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है 3, याद रखना इंक जेट में ना, इसको आप पूरा डिटेल में आपको क्लास में कराया था, थ्योरी क्लास में, वो वीडियो आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी है, 3, ये भी आपका लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था। गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या होता है, गोल्फ बॉल प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर होता है, क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, और डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखना। सीजी व्यापम 2018 पूछा गया है कि स्कैनर का प्रकार नहीं, तो ये डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है। फिर 2018 पूछा कि निम्न कौन सा पेज प्रिंटर है, तो याद रखना पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर ही एक पेज प्रिंटर होता है, ठीक है, सभी का सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, देखिए प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसता है जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर आएगा ही आएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी, लाइन और ड्रम, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि लेजर प्रिंटर, प्लाटर, ये सभी क्या है, प्लाटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है कौन सा है, प्लाटर। प्लाटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्लाटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो ठीक है, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ये सभी क्या है, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है पूछा गया ना, तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए इन सभी डिवाइस में के आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा, आउटपुट, आउटपुट क्या है, प्लाटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, और पूरे जितने भी ये सब यूनिवर्सल है, सभी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो स्कैनर यहाँ दिया गया है तो इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड दिया है इनपुट डिवाइस हो गया, यहाँ पर प्रिंटर दिया है, ये माउस दिया है, वहाँ पर भी इनपुट डिवाइस है, जबकि पूछा क्या गया, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आपका आउटपुट डिवाइस आंसर डी हो जाएगा, प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तो PPM, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, पटवारी 2016 में पूछा गया था। और याद रखना मैं जो टोटल 50 MCQ कराने वाला हूँ, जिसमें आपका रहने वाला था पूरा प्रिंटर से, इसके बाद आपका रहेगा मल्टीमीडिया की क्लास तो हो चुकी है, इंटरनेट वगैरह क्वेश्चन देखेंगे,
एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो किस का प्रयोग करता है स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं, जबकि अच्छा प्रवृत्ति से आपन में सवाल हम पूछा है लेजर प्रिंटर में। ये जो क्लास चल रही है बिल्कुल फ्री क्लास है ना, निःशुल्क के साथ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो चैनल पर पहली बार देखने जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। जितने भी यहाँ क्लास कर रहे हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो हम बात करते हैं बैंड प्रिंटर इसका आंसर है। इसके बाद आप एक कंप्यूटर नेटर या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साझा आम संसाधन है तो ये आपको प्रिंटर होगा। ये भी सभी जितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी वगैरह में पूछा है। तो कैरेक्टर प्रिंटर का है एक बैंड प्रिंटर है जो एक करेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब 2015 में पूछा गया था। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंटेड में मुद्रित करने का उपयोग है रिबन, ठीक। प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हैं तो नहीं किया जाता, डेजी विल प्रिंटर, ठीक। अब प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है तो एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ठीक। व्यापम में पूछा गया है। चलिए देखिए, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के प्रिंटिंग हेड और पेपर फोर्स किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, तो डेजी व्हील प्रिंटर। वह प्रिंटर जिसमें करेक्टर की छाप है नॉन इम्पैक्ट है ना, जो मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना ही बनते हैं। और ये देखिए पटवारी में भी और पूछा गया, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है प्लाटर के द्वारा। प्लाटर के द्वारा ही यहाँ पर ग्राफिक्स बनाया जाता है। अब इंकजेट प्रिंटर के द्वारा क्या होता है, तो देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क में शेयर का रिसोर्स ज़्यादा संभव किस रिसोर्स में होता है, प्रिंटर में। 50 क्वेश्चन करने वाले थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से एक और क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, तो आज हम कितना क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 30 एमसीक्यू देखेंगे। चलिए ठीक है, 20 एमसीक्यू कल के क्लास में कवर कर लेंगे। तो प्रिंटर की गति की तुलना में जो गणना है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो PPM का पर में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं और 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर प्रकार का है, तो थर्मल प्लेट बैंड, ठीक है। एक बार आप बताइए वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास करने के लिए दोपहर 2 बजे क्लास चलती है, ठीक है। कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ बाकी का आपका रहेगा 7:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड फॉर्म पर। वीडियो आपको अच्छा लगता है जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो छोटा सा जो है आपका बहुत ही लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है।